चाहिए ताकि मस्त रहें, खुश रहें। सबसे बड़ी बात है कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ते हैं, बिना डिप्रेशन के पढ़ते हैं, एक जगह विश्वास करते हुए पढ़ते हैं। ज़्यादा तनाव लोगे, ज़्यादा लोगों की ज़्यादा बातें सुनोगे तो उतना कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुछ किताबें चुनिए, ज़्यादा मत चुनिए, और उसके साथ लगातार बढ़िए, फिर सफलता सुनिश्चित है। ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकेंड हो, मैंने देखा है ग्रेड फर्स्ट में पेपर हो गए चार, मतलब बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हार गए और बहुत नॉर्मल रिलैक्स मोड में पेपर देने गए वो जीत रहे हैं। कहानी इतनी है कि आप प्रेशर अनावश्यक लोगे तो हार जाओगे, चाहे कितना ही पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है इजी वे में आप अच्छे मूड में आप कितने पेपर देने जाते हैं। परीक्षा तक साथ निभाऊंगा, जहां मुझे लगेगी चीज मुझे बतानी चाहिए वो बता दूंगा। तो इसका मतलब ही नहीं कि आपने किताब खरीद ली तो इसका मतलब सीमित हो गया, मैं आपके लंबे समय तक साथ रहूंगा, याद रखें। ओके, और कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी में दुआओं से सब कुछ बढ़ता है आदमी। आज राजस्थान में लगभग 18 से 19 हज़ार प्लस टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में लगे हुए टीचर मेरे से प्रत्यक्ष रूप से पढ़े हैं, ऑफलाइन रूप से पढ़े हुए बच्चे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर का आशीर्वाद है, तभी तो ऐसा पॉसिबल हुआ है, वरना आप थोड़ी पॉसिबल होता। आज तो चलो आप लोग सब जानते हो राजस्थान के लोग, उस समय जब अधिकतर मैंने पर्सनल बेस से खूब सारे बच्चे निकाले हैं, उस समय तो मुझे शेखावाटी के अलावा कोई जानता नहीं था। कहीं ना कहीं दुआएं हैं उस ईश्वर की और वो काम करते हैं, याद रखना। और यही मैं आप लोगों को बोलता हूँ, थोड़ा बिना डर के पढ़ो। मैं कोई स्पेशल टीचर नहीं हूँ, बट मेरी क्लास का या मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, रिलैक्स होकर पढ़ना है। हम साधारण हो सकते हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हो सकते, बस यही बात अपने जहन में रखनी है। हम कमजोर नहीं हो सकते, ये बात हमें अपने मन मस्तिष्क में रखनी है। बाकी जीत सुनिश्चित है और जीतेंगे हम लोग।